कहते हैं मन में कुछ कर दिखाने की जज्बा हो तो गरीबी भी उसे टाल नहीं सकती, और ऐसा ही कुछ जज्बा रखते हैं श्री गोपाल चंद्र साहू जी। भद्रक के साबरंग गांव के एक छोटे से परिवार में जन्म लेते हुए 2 फरवरी 1977 में किलकारियां गूंजती है उस किसान के घर। बचपन उनका ऐसा बीता मानो जिंदगी में कोई उलझन ही नहीं है, लेकिन बड़े होने का एहसास तो तब हुआ जब पढ़ने के लिए भी हाथ में किताब नसीब ना हुई। अब आई थी कॉलेज जाने की बारी। 2 कपड़े और जेब में 2-4 सिक्के, बस इसी से गुजारना था कॉलेज के दिन। लेकिन तब भी उन्होंने जिद ना हारी। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मजबूरी में उन्होंने ट्यूशंस देना शुरू कर दिया। वही चंद नोटों से उन्होंने बिताया अपनी कॉलेज की जिंदगानी। घर चलाने का बोझ अब गोपाल जी को परेशान कर रही थी। मजबूरन उन्होंने भी उठाया खेती की जिम्मेदारी, जिसके कारण खेती से निकले सब्जी लेकर बेचने निकल पड़े सब्जी मंडी। लेकिन कब तक वो ऐसे घुट घुट के जिए। 20 चावल और चंद रुपए लेके वो निकल पड़े शहर की तरफ, और जला दिए उनके पीछे रुकी वो सारे रास्तों को, ताकि वापस ना आ सके वही रुकी पुराने जिंदगी के तरफ। मन में डर था कि कामयाबी मिलेगी या नहीं, पर यह भी सच है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने जुनून को साहस बनाए, फिर शुरू किए शहर में नई जिंदगी। नए उम्मीद के साथ देने लगे शिक्षा, ढूंढने लगे नई उम्मीद। वो कहते हैं ना, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, एंड इफ यू डोंट लाइक वेर यू आर देन चेंज व्हाट यू आर। फिर जिंदगी ने दिया उन्हें एक सुनहरा मौका, जहां उनके साथ खड़ा हुआ मोदी केयर। मोदी केयर के शुरुआती सफर में ही गोपाल जी समझ गए थे मोदी केयर से उन्हें टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी सभी मिलने वाले हैं। मोदी केयर की डोरी थामे गोपाल चढ़ने लगे कामयाबी की सीढ़ी। जिंदगी अचानक यूं मोड़ लेगी ये शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना था। इसका पूरा श्रेय गोपाल जी अपने पिता, माता और गुरु को देते हैं। आज उनके किसान बाप श्री कैलाश चंद्र साहू और वो माँ जो हर दुख दर्द को अपने होठों तले दबाए रखी थी, यानी श्रीमती हेमलता साहू जी, गर्व महसूस करते हैं कि उनका बेटा दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंच चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोपाल जी अपने जीवन साथी श्रीमती रश्मिता साहू और 12 साल की बेटी उदेता को भी दुनिया भर की खुशी देने की क्षमता रखते हैं। और इसका श्रेय वो देते हैं मोदी केयर को, जहां वो शहर आए थे एक सेकेंड हैंड साइकिल के साथ। आज वहां वो मोदी केयर के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ा के पाए हैं एक नई
जेब में बस कुछ सिक्के थे और कानों में उसी सिक्कों की आवाज थी। आज वो मोदी केयर के साथ कामयाबी की बुलंदियों को पाकर 15 देश घूमे और तरह तरह की भाषाएं सुन रहे हैं। खुशी की बात तो यह है कि इतनी कामयाबी के बाद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उनका ये कहना है, विजुअलाइज योर ड्रीम, वाइटलाइज योर ड्रीम एंड वर्बलाइज योर ड्रीम। अभी और भी लंबा सफर तय करना है उन्हें मोदी केयर के साथ, बल्कि अकेले नहीं पूरे मोदी केयर परिवार के साथ। मर्सिडीज पाकर वो खुश तो बहुत हैं, लेकिन अब वो दूसरों को भी ये सलाह देते हैं कि जिंदगी में कभी हारना मत, कभी रुकना मत, कभी झुकना मत।